तो बिना गदर मचाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं नबील साहब और आप देख रहे हैं नबील वर्ल्ड। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और एक घंटा पहले आया है गदर 2 का ट्रेलर, तो देखते हैं पहले और फिर इसके बारे में बात करें। गदर 1 के झंडे तो जो गड़े हुए हैं वो गड़े हुए हैं, बाकी हमने गदर के बारे में कुछ देखा नहीं है। जो 2 के बारे में बस इतना पता है कि वो जो बेटा था उसका वो मेन हीरो होगा और शायद ये मेन जो सनी पाजी हैं ये साइड हीरो होंगे या कुछ इस टाइप का होगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, ट्रेलर देखें, फिर उसके बारे में अपनी अजम्पशन हम शेयर करेंगे। तो हियर वी गो। तारा सिंह पंप पोट लेंदा है। पूछो तारा सिंह कौन है? वजन वो क्या? आइकॉनिक सॉन्ग। बड़े मौके पर आया है तू। आज भी लगी मेरे कलेजे को ठंडा। वैसे थोड़ा प्राव का तेरा पाप भी तेरे लिए तुझे बचाने जरूर आएगा। ये बंदा था ना पहली फिल्म में। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना मेरा पाप पे आना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना इतने चीटने करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। तेरा पूरा पाकिस्तान मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। गदर 2 फिर पंप। ये तो कॉमिक था यार, ये तो एंडिंग कॉमिक एंडिंग कर दी है आपने ट्रेलर की। पंप दिखा गया है। 15 अगस्त को क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो? तो यार ट्रेलर शुरू होता है कुछ पाकिस्तान में कोई मसले वसले चल रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान के और इंडिया के हालात खराब हुए हैं। उधर से उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं तारा पाजी कुछ फौजियों को उठा के फेंक रहे और बता रहे हैं कि भाई तुसी तारा नहीं जानते हो, तारा ते पंप पोट दिंदा है। उसके बाद म्यूजिक जो चलता है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ सीन था, वो अभी इधर नहीं चलना चाहिए था। लेकिन रोमांटिक सीन दिखाया जाता है मियां बीवी के बीच में, जहां तारा पाजी कहते हैं कि भाई मूवी ही आउट ऑफ सीन थी, जिसमें तारा पाजी बोलते हैं कि वक्त के साथ साथ आपका प्यार भी बढ़ चुका है। मुझे लगा था मोटापा बोलेगा और बुढ़ापा बोलेगा, लेकिन नहीं, प्यार बढ़ चुका। फिर उसके बाद होती बच्चे की एंट्री। बच्चा डांस तो अच्छा कर रहा था, बाप से तो अच्छा कर रहा था, और ये वही एक्टर है जिसने पहली मूवी में बच्चे का रोल किया था। यहाँ तक ठीक थी। फिर उसके बाद कुछ सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें जो इसका बेटा है ना उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान जब वो जाता है पता नहीं किस रीजन की वजह से जाता है, और पाकिस्तान में जो फौजी आके उसको पकड़ता है ना, मुझे लगता है ये पहली मूवी में वो बंदा था जिससे हीरोइन की शादी होने वाली थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद जो मेन सीन आता है जिसमें जो ये बेटा ये अपने डायलॉग्स डिलीवर करता है, वो बहुत गंदे डायलॉग डिलीवरी थी। तो वो वाइब ही नहीं दे रहा था। वो नमाज पढ़ने जा रहे हो ना तो दुआ करना मेरे पापा पाकिस्तान नहीं आ जाए, नहीं तो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि पूरा पाकिस्तान म्यूजिक ही नहीं पाएगा। उधर ही तारा पाजी आ जाते हैं लाहौर, सलमान भाई से भी जल्दी आ जाते हैं लाहौर। सलमान भाई को तो फिर तारों के नीचे से आना पड़ा था मुन्नी को छोड़ने, तारा पाजी वीजा लगवा के आते हैं। एक्शन मुझे टू बी ऑनेस्ट इसमें थोड़ा सा कॉमिक ही लगा, ये सारा कॉमिक ही था। लेकिन एक सीन जो था ना जो मुंह पे थोड़ा मारने वाला सीन, ब्रूटल, ये एक सीन मुझे अच्छा लगा, पूरा ब्रूटल सीन था। उसके बाद तो बस ट्रेलर में कुछ इतना था नहीं, वो बस पाकिस्तान की बैशिंग थी, पूरा ट्रेलर ही बैशिंग में था। उसके बाद वायलेंस एक्शन और ये सब था, और फिर जो एंड में उन्होंने कॉमिक की एंडिंग की है ना, तारा पाजी खड़े हैं और सामने से उनका मेन नेमेसिस, मेन दुश्मन, मेन मुकाबला तारा पाजी का जिससे पहली फिल्म से चल रहा है, इससे चल रहा है मुकाबला, बताओ, पंप के साथ मुकाबला चल रहा है तारा पाजी का। बिल्कुल एंडिंग में मेन विलन के साथ नहीं मुकाबला कर रहे, वो पंप के साथ मुकाबला है। ओवरऑल ट्रेलर को इतना खास नहीं था, बेसिकली नॉस्टैल्जिया पे खेलेंगे, जब मूवी आएगी तो देख लेंगे। बच्चे का रोल जो बंदा एक्टर कर रहा है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी लाइक करें अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।